ओके, पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का. सपोज देर इज अ रॉड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, देर इज अ पॉइंट, लेंथ इज एल, मास इज एम, पी पॉइंट है. पी पॉइंट पर आपको ई की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? यू हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर, तो पॉइंट मास प्लस वन होगा, यहां पर एम है. ये एम पॉइंट मास नहीं है. आप अपना क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से नहीं करेंगे, और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे. स्मॉल एलिमेंट मान लो आपने ये लिया, स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है, डीएम है, और मान लो इसकी स्मॉल लेंथ कितनी है, डीएक्स है. स्मॉल एलिमेंट एक पॉइंट की तरह काम करेगा. स्मॉल एलिमेंट पी पॉइंट पर ई लगा देगा. कितना ई लगाएगा और स्मॉल एलिमेंट कितनी दूरी पे लिया आपने, लेट अस सपोज एक्स. स्मॉल एलिमेंट है उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स है. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल ई की वैल्यू बोलो क्या होगी. ई का फॉर्मूला क्या होता है, जी इन टू कौन लगा रहा है, ई यहां पर डीएम लगा रहा है, और कहां लगा रहा है, पी पॉइंट पर. और पी पॉइंट पर इमेजिन कर रहे हैं कि मास कितना पड़ा हुआ है, प्लस वन. तो डीएम ने स्मॉल ई लगाया और यहां पर डी लिखेंगे इसे जी एम बाई आर स्क्वायर. अब स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस पी पॉइंट से कितना है, एक्स. तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमने डी निकाल लिया. टोटल ई निकालने के लिए दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेशन देखें, तो दोनों साइड्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां लिमिट. अच्छा, एक और चीज, डीएम तो हमें पता नहीं क्या है, डीएम निकालना पड़ेगा. डीएम की वैल्यू विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इनटू स्मॉल लेंथ कितनी है, डीएक्स. तो डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल इनटू डीएक्स. ठीक है यहां तक? तो यहां पर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो डीई विल बी इक्वल टू जी इनटू डीएम की जगह एम बाय एल इनटू डीएक्स डिवाइडेड बाय कितना, एक्स का स्क्वायर. देखता हूं, आना तो नहीं चाहिए. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. अब स्मॉल टोटल ई निकालने के लिए डी ई इज इक्वल टू जी एम एल, सब कांस्टेंट है, वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. कहां से कहां तक, जीरो से लेके ई तक. और यहां पर एक चीज बताओ, यहां से यहां तक पहला एलिमेंट ये लिया जाएगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, करते 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 आखिरी ये. तो लिमिट लगेगी एक्स इज इक्वल टू डी से लेके एक्स इज इक्वल टू डी प्लस एल. तो डी से लेके डी प्लस, ठीक. तो dx की लिमिट आपको यह बताती है कि कहां से कहां तक का पॉइंट है. देखो इसके अंदर जो एलिमेंट dx है वो कितनी दूरी पे है, x. तो e कौन लगा रहा है, पूरी की पूरी रॉड लगा रही है. पहले ये एलिमेंट लेंगे, कितनी दूरी पे है, d. फिर यहां से सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आखिरी एलिमेंट कितनी दूरी पे है, d प्लस एल. तो लिमिट लगेगी d से लेके d प्लस एल तक, तभी तो dx कंप्लीट होगा. ठीक है यहां तक? बोलो बोलो. x तो खुद वेरिएबल है ना, x की तो वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रही है, तो x की ही लिमिट पुट करेंगे. तो x की वैल्यू इज इक्वल टू d, x की वैल्यू इज इक्वल टू d प्लस l. तो यहां से e विल बी इक्वल टू जी एम बाय एल, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस वन बाय एक्स d से लेके d प्लस l, माइनस जी एम बाय एल 1 बाय एक्स डी से लेके डी प्लस एल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय एल 1 बाय डी प्लस एल माइनस 1 बाय डी. और माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे, जी एम बाय एल 1 बाय डी माइनस 1 बाय डी प्लस एल. साफ पता लग रहा है डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटी होगी. कहां से पॉजिटिव में आएगा,
बाकी एलसीएम ले लेना, आपके पास आंसर आएगा। ठीक, तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे ई की वैल्यू निकलेगी इसमें। एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो अलग अलग फॉर्म में आपके कंपटीशन में मिलेगा ही मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन की जो मैं बता रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक। ये सॉलिड स्फेयर का रेडियस आर है और मास एम है, ठीक। इस सॉलिड स्फेयर के सेंटर से एक पॉइंट मास पड़ा हुआ है स्मॉल m एट अ डिस्टेंस ऑफ d, ठीक है। ये स्फेयर इसके ऊपर क्या लगाएगा, ये स्फेयर इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा, g बड़ा m छोटा m बाई डी का स्क्वायर, शेल थ्योरम में की थी हमने। लेकिन आपने क्या किया, इसमें से एक छोटे स्फेयर को कट कर दिया, कैविटी हो गई। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए, सेंटर ऑफ मास में भी किए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किए थे, इसमें भी किया। तो एक क्वेश्चन कैविटी वाला ज्यादातर आता ही है, किसी भी कैटेगरी में आए। तो ये काट दिया आपने, और इसका रेडियस क्योंकि आर है तो इसका रेडियस लेट अस सपोज आर बाय टू की कैविटी आपने कट कर दी, मतलब टोटल डिस्टेंस आर है, डायमीटर मान के आर बाय टू हो जाएगा, ये कट कर दिया आपने। नेट फोर्स कितनी लगेगी अब बचे हुए स्फेयर से, ये जो स्फेयर बच गया, अब ये कितनी फोर्स लगाएगा, अब बचा हुआ स्फेयर भी तो कोई फोर्स लगाएगा। तो इसमें क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करते थे, हर जगह ये करते थे, पहले बड़े स्फेयर की फोर्स निकाल लेंगे, फिर छोटे स्फेयर की फोर्स निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। जो बचा है उसका सेंटर ऑफ मास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं करना, करके देख लो, चलो ऐसे करके देख लो, मे बी आ जाएगा, मेरे को लगता है आ सकता है, क्योंकि आप कह रहे हो बचे हुए स्फेयर का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। हाँ मे बी शायद इस करके आ जाए क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, नॉन यूनिफॉर्म होता शायद ना आता, चलो ट्राई करके देख लो। वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबसे आसान है, पहले काम करो, पहले बड़ा स्फेयर मान लो, मान लो उसमें कैविटी नहीं है, उसकी फोर्स निकाल लो, फिर मान लो चलो छोटा स्फेयर है, उसकी फोर्स निकाल लो, और फिर दोनों को माइनस कर दो।
चेक कर लेते हैं। देखो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले ना आपको इसमें ये इमेजिन करना है कि बिफोर कैविटी, बिफोर कैविटी का मतलब कैविटी से पहले ये पूरा स्फेयर था जिसका रेडियस आर था, डी डिस्टेंस है, पॉइंट मास है, कैपिटल एम है। तो बोलो बिफोर कैविटी फोर्स कितनी थी? बिफोर कैविटी फोर्स थी जी बड़ा एम छोटा एम बाई डी का डन, ठीक। और अगर सिर्फ और सिर्फ कैविटी की बात करें, मैं नया डायग्राम बना रहा हूं, कैविटी का डिस्टेंस कितना है यहां से आर बाई टू, और इसके सेंटर से, क्योंकि कैविटी का सेंटर और बड़े स्फेयर का सेंटर तो एक ही है, तो मीन सेंटर मीन्स ये वाला टच, ये वाला पॉइंट यहां से, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना गिवन है? डी गिवन है, सेंटर तो यहां पर है ना, ये वाला सी, कि सी सेंटर है, ठीक, सी सेंटर है, और सी सेंटर से पॉइंट मास का डिस्टेंस डी है, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस आर बाई टू, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि इस स्फीयर का मास कितना है, पहले वो निकाल लें। स्फीयर का मास इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर, तो अगर टोटल वॉल्यूम 4/3 πr का क्यूब है तो टोटल मास कितना है? 1 है, तो m डिवाइडेड बाय 4/3 πr क्यूब, और अगर 4/3 π कितना r बाय 2 का क्यूब है तो मास की वैल्यू आएगी m 4/3 πr क्यूब इंटू 4/3 r क्यूब बाय 8। सॉल्व करेंगे तो m बाय 8 आ जाएगा, तो इसका मास कितना है? इसका मतलब m बाय 8। तो m बाय 8 की फोर्स कितनी है कैविटी की वजह से? g m बाय 8 बड़े m बाय 8 इंटू छोटा m डिवाइडेड बाय d माइनस r बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है यहां तक? तो आपने बड़े स्फेयर की वजह से फोर्स निकाली, कैविटी की फोर्स निकाली, अगर सिर्फ कैविटी होता, लेकिन एक्चुअल में कैविटी तो है नहीं, तो बची हुई जो नेट फोर्स होगी वो बड़ी फोर्स में से कैविटी की फोर्स को क्या कर देना है? माइनस। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा जी बड़ा एम छोटा एम बाय डी का स्क्वायर माइनस जी बड़ा एम बाय 8 इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी माइनस आर बाय 2 का होल स्क्वायर आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, सिम एलसीएम ले लोगे माइनस करने के बाद। हाँ, इसका ऑप्शन बता देता हूँ सिंप्लीफाई करके, जो ऑब्जेक्टिव में गिवन था जी बड़ा एम छोटा एम बाय डी का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 डी माइनस आर का होल स्क्वायर, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सपोज आपके पास एक शेल, शेल अंदर से खाली है, मास m ऑफ a रेडियस a, एक और शेल मास b रेडियस b, एक और शेल मास सी रेडियस सी।
शेल के बाहर शेल के बाहर शेल, ठीक। क्वेश्चन ये है, सपोज लेट अस सपोज आपको फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने वन एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम सेंटर। इस फर्स्ट पॉइंट पे आपको वी निकालना है तीनों शेल्स की वजह से। तीनों शेल्स का जो वी होगा वो पहले फर्स्ट शेल से शुरू करें। इन टाइप के क्वेश्चंस में जब आपने फर्स्ट शेल लेना है तो आपने शेल नंबर टू और शेल नंबर थ्री को सोचना भी नहीं। जब आपने टू का आंसर देना है शेल नंबर टू का, फर्स्ट और थर्ड की बारी बात नहीं करनी। और जब आपने सिर्फ शेल थ्री को देखना तो थ्री को ही देखना है, फिर टू और वन को भूल जाना है। जैसे शेल नंबर वन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा यहां पर वी में, टू और थ्री को भूल जाओ। शेल का हमें रिजल्ट आता है, शेल के अगर सेंटर से आर डिस्टेंस दूर अगर मुझे वी निकालना हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कि शेल से आर डिस्टेंस दूर वी की वैल्यू क्या होती है, जी माइनस जी मास ऑफ शेल अपॉन डिस्टेंस आंसर। फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अब सेकेंड शेल की बात करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी तो ऐड ही होंगे तीनों पोटेंशियल्स। सेकेंड शेल का सेम स्टोरी है, फर्स्ट को भूल जाओ। सेकेंड शेल के भी सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर है, तो सेकेंड का भी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस जी मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। थर्ड का भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो वी का कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों का डिस्टेंस आर के साथ ही चलेगा, ठीक। कोई डाउट इसमें? इसी पॉइंट पर अब मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है। ई, अब ये याद रखना ई जो है वो वेक्टर होता है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। रीजन, क्योंकि ये शेल की वजह से अगर मुझे यहां ई निकालना है, मान लो कोई शेल है, तो हम क्या करते थे, ई निकालने का फॉर्मूला जी इंटू एम बाई आर का स्क्वायर, और ई हमेशा अट्रैक्टिव होता है, सेंटर की तरफ होता है हमेशा। तो पहले फर्स्ट शेल का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, तीनों वेक्टर्स कहां आएंगे ऑब्वियसली, तो तीनों के तीनों ऐड ही होने वाले हैं, तीनों के तीनों ऐड होंगे, बिकॉज थ्री आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट की वजह से क्या होगा, जी मास ऑफ ए बाय आर का स्क्वायर, फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन आ गया। सेकेंड का जी इंटू मास ऑफ बी बाय आर का स्क्वायर, और थर्ड का जी इंटू मास ऑफ सी बाय आर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? वेक्टर होती है, मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, और एंड में अगर डायरेक्शन लिखनी है तो लिख देना टुवर्ड सेंटर। ठीक है, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन में लेट अस सपोज मेरा पॉइंट अब यहां की बजाय सपोज यहां पे है टू एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। अब वो क्वेश्चन खत्म हो गया। पॉइंट टू की अगर बात करते हैं, जो सबसे अंदर है, अंदर वाले शेल में, तो वी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। फर्स्ट शेल का रिजल्ट क्या है? शेल का रिजल्ट होता है कि अगर आपको वी इनसाइड निकालना है, तो वी इनसाइड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब जितना सरफेस के ऊपर वी है, सरफेस के ऊपर वी क्या होता है, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर, उतना इसके उसी पॉइंट के इनसाइड भी होगा। ऐसे शेल में किया था, शेल के अंदर वी हमेशा सेम रहता है, और कितना रहता है, जितना उसकी सरफेस के ऊपर है। तो फर्स्ट शेल से पूछें, तो फर्स्ट शेल को अगर आप ये पॉइंट दिखाओगे और कहोगे यहां कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वी निकाल लो, तो शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड है, तो जितना वी मेरे सरफेस पे होगा उतना इनसाइड होगा। तो सरफेस पे कितना होगा इसके, माइनस जी एम बाय ए, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहां पर, माइनस जी एम बाय ए, आर नहीं आएगा, क्योंकि शेल के इनसाइड पॉइंट है, अंदर है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि ये डिस्टेंस आर वन है या आर टू है, आर थ्री है, इनसाइड हर पॉइंट पर वैल्यू विल रिमेन सेम, कितनी जितनी सरफेस के ऊपर है। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक। लेकिन जब आप शेल नंबर टू से बात करते हो, वन को भूल जाओ, शेल नंबर टू भी क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड है, तो बस आप मुझे ये मत बताना कि कहां पर इनसाइड है, बस मेरी सरफेस का पोटेंशियल दे दो उसको। तो बी का सरफेस का पोटेंशियल कितना है, माइनस जी
एम बी बाय आर, नहीं एम बी बाय खत्म, देखने की जरूरत ही नहीं डिस्टेंस कहां पर है. आंसर जितना सरफेस पे उतना इनसाइड होगा. थर्ड शेल की भी सेम स्टोरी है. थर्ड शेल कहेगा कि वो भी तो पॉइंट मेरे अंदर ही है, तो मेरी सरफेस का पोटेंशियल दे दो इसे, माइनस जी इंटू एम ऑफ सी बाय. समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक. अगर सपोज इसी पॉइंट पर क्या निकालना हो, ई. अब ई के लिए फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, क्योंकि वो पॉइंट उसके इनसाइड है और इनसाइड ई की वैल्यू जीरो होती है. सेकेंड शेल भी की वजह से भी जीरो, थर्ड से भी जीरो. ठीक. लेकिन अब मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं. अब मेरा पॉइंट यहां पर है थ्री एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. थर्ड पॉइंट पे वी निकालते हैं. थर्ड पॉइंट पे अगर वी निकालना है, अब इसको भूल जाओ, ये नहीं चाहिए हमें. अब थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो थर्ड पॉइंट के लिए पहले फर्स्ट शेल से पूछते हैं. फर्स्ट शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे से बाहर है आर डिस्टेंस, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा माइनस जी मेरा मास बाय आर. सेकेंड शेल भी यही कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मुझसे भी बाहर है तो आर ही आएगा. लेकिन थर्ड शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड है तो यहां आर मत लगाना, मेरे सरफेस का पोटेंशियल लगाना, और सरफेस का पोटेंशियल में सी आएगा. तो आंसर समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट ई निकालते हैं. ई विल बी इक्वल टू फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट शेल कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मुझसे बाहर है आर डिस्टेंस दूर बाहर है, और क्योंकि ये पॉइंट मुझसे आर डिस्टेंस दूर बाहर है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जी मास ऑफ ए बाय आर का. सिमिलरली सेकेंड भी क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है तो ये रहा. लेकिन थर्ड क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड है और शेल के इनसाइड इज आंसर. तो शेल के क्वेश्चन हो जाएंगे, जहां मर्जी पॉइंट देगा रूल भूलना नहीं है शेल का, शेल के रूल लगाने स्टार्ट कर देना. नेक्स्ट है, सपोज आपके पास एक पॉइंट है M, एंड एक पॉइंट मास है 2m. देवर इनिशियली सेपरेटेड बाय आर नॉट. इनिशियली उनके बीच में सेपरेशन आर नॉट था. 2m वाले पार्टिकल को रेस्ट पे पड़े हुए थे, हमने वेलोसिटी दे दी कितनी, 2v नॉट या v नॉट. हमने 2m को वेलोसिटी दी राइट की तरफ, v नॉट उसको नहीं दी, v नॉट. ठीक. आगे, एंड m किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट. ठीक. आपको निकालना है, और हाँ, देयर इज नो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, प्लीज. अर्थ की कोई अट्रैक्शन नहीं है. कहीं ये मत सोचना कि ग्राउंड पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा. अगर मैं वेलोसिटी ना देता तो ये आपस में इनकी टक्कर हो जाती, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन तो लेनी नहीं इसमें, तो इनकी टक्कर हो जाती. पर क्योंकि मैंने टक्कर होने से पहले रखते ही वेलोसिटी वी नॉट दे दी, अब होगा क्या, ड्यू टू अट्रैक्शन 2m m को अपनी तरफ खींचेगा, चाहे वो चल पड़ा लेकिन फिर भी खींचेगा तो सही. तो m भी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा. आपको निकालना क्या है, फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स. इनिशियली क्या हुआ, देखो ये चल पड़ा, ये रेस्ट पे था, अट्रैक्शन की वजह से ये भी चल पड़ा. ठीक. अब होगा क्या, क्योंकि दोनों चल पड़े तो ऑब्वियसली इनके भी, इसकी भी वेलोसिटी है, इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी. तो आपको ये बताना है, अब हो ये तो सबको मालूम है कि इसके पास तो वी नॉट वेलोसिटी है. अब होगा क्या, वी नॉट वेलोसिटी से हमेशा मूव नहीं करता जाएगा ये, क्यों, क्योंकि एम इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी तो कर रहा है ना.
नो डाउट 2m अट्रैक्ट कर रहा है, तो m भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी एक ऐसी पोजीशन आएगी जब इनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम हो जाएगी। आपको बताना है वो पोजीशन क्या है, इसका आंसर मार्क करके दे देता हूं, प्रूव करना है। r इनके बीच में सेपरेशन होने वाली है, आंसर फोर्स से नहीं आएगा। देखो दे विल अटेन अ मैक्सिमम सेपरेशन एक ही केस में जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, काइनेमेटिक्स में भी करते थे, जब वेलोसिटी सेम हो जाती है वी एंड वी, तब उस अगर कम कर दी तो भी सेपरेशन कम हो जाएगी, और ज़्यादा वो होगी नहीं, तो बेसिकली क्या होगा, इनकी सेपरेशन किसी टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम एक्वायर हो जाएगी वी एंड वी, तो वो मैक्सिमम सेपरेशन होगा। आपको इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है पहले। टाइप के क्वेश्चन का जो हिंट रहता है मैं आपको दे रहा हूं कि आफ्टर सम टाइम दिस m विल एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ v एंड 2m विल आल्सो एक्वायर वेलोसिटी ऑफ v एंड एट दिस टाइम सेपरेशन इज r। प्लीज इस डायग्राम से लेना देना नहीं है, बड़ा या छोटा मुझे मालूम नहीं है, तो मान लो ये सेपरेशन कितना है इसका, r है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियली और फाइनली, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज इंटरनल, हमने तो जाके कोई फोर्सेज इसमें नहीं लगाई, हमने वी नॉट देके छोड़ दिया, तो अभी अपनी फोर्सेज है जो इसमें एक्ट कर रही है, तो इसमें एक तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होगा, एक हिंट। दूसरा एनर्जी पूरे सिस्टम की कांस्टेंट होगी, एनर्जी कांस्टेंट होगी, और एनर्जी में कौन सी एनर्जीज आएंगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों। तो आप इसमें पहले मोमेंटम कांस्टेंट लगाओ और फिर एनर्जी की इक्वेशन लगाओ। देखो कैसे, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम बोलो, छोटे m का मोमेंटम जीरो, बड़े m का 2m इंटू वी नॉट, फिर फाइनल मोमेंटम m का कितना v और छोटे m का भी 2m का भी कितना v। तो यहां से 2m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 3m इंटू वी, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स वी नॉट, एक आंसर। और दूसरा मैंने क्या बताया, क्या लगाना है, जो एनर्जी है सिस्टम की वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो एनर्जी के अंदर क्या आएगा, एनर्जी के अंदर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की बोलो कितनी है, जीरो, सेकेंड की कितनी है, हाफ इंटू 2m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, काइनेटिक है। और पोटेंशियल इनके बीच में कितनी थी, जी m इंटू 2m डिवाइडेड बाय r नॉट, इनिशियली समझ रहे हो, इनिशियल का मतलब ये देखो इसकी काइनेटिक कितनी जीरो, इसकी कितनी हाफ इंटू m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। दो मास सिस्टम की जीरो कब होती है,
इनफाइनाइट होगी तब जीरो करेंगे ना, फाइनाइट डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल कितनी होगी इनिशियली, माइनस एम वन इंटू एम टू बाई आर, ये पोटेंशियल आ गई। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, फाइनली इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया आर, काइनेटिक बोलो कितनी होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टू एम इंटू वी का स्क्वायर, वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी। और पोटेंशियल बोलो कितनी होगी, माइनस जी एम इंटू टू एम डिवाइडेड बाई आर नॉट, नहीं अब डिवाइडेड बाई क्या आएगा आर, आर ठीक। अब इस क्वेश्चन में जहां आपको वी वी दिख रहा है, वी दिख रहा है, वहां वी की जगह क्या पुट करेंगे, टू बाई थ्री वी नॉट, यहां से सॉल्व करके आर आएगा, जो भी आएगा न्यूमेरिकल आएगा, ये तो खैर फिर भी उसमें वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, बट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ऐसे कॉन्सेप्ट में लगेगा क्या, अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था फिर मूव करता है, इस टाइप के क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। वैसे ज़्यादातर केसेज में ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में इतने टिपिकल जिन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखो दो बॉडीज आपको गिवन ही होंगी इसमें, चाहे वो घूम रही होंगी चाहे वो लीनियरली जा रही होंगी, अगर तो वो लीनियरली जा रही होंगी तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है हमेशा, एनर्जी तो हमेशा ही कांस्टेंट होती है, और अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के आसपास घूम रही होगी तो उसका लीनियर मोमेंटम नहीं, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जैसे अर्थ सिस्टम का आई वन ओमेगा वन इज आई टू नॉट। तो ये दो कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अभी हम करेंगे और प्रैक्टिस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा तो नहीं बट फिर भी कुछ मिलता जुलता। सपोज आपके पास दो पार्टिकल्स हैं m एंड दूसरा पार्टिकल है कैपिटल m, इनिशियली गिवन है, इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंफिनिटी, इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट है, बहुत दूर है पता नहीं कहां पर है, और इनिशियली ये किस पे पड़े हुए हैं एट रेस्ट पे भी हैं, तो इनिशियली रेस्ट पे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। किसी इंस्टेंट पर पास आते आते ये क्यों पास आएंगे, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो मान लो एक मिनट के लिए किसी तरीके से ये पास आ जाते हैं और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, तो सच दैट इनके बीच में किसी इंस्टेंट में डिस्टेंस कितना हो जाता है v, सच दैट किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी स्मॉल v तो इसकी वेलोसिटी कैपिटल v, वेलोसिटी में डिफरेंस क्यों आएगा, फोर्स तो सेम है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट तो एक्सेलरेशन डिफरेंट है, एक्सेलरेशन डिफरेंट तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। अब वही बात है ना, अगर बड़ा एप्पल एक छोटा एप्पल है, अगर अर्थ ना होती तो दोनों सेम फोर्स से तो पास आते पर दोनों की एक्सेलरेशन में डिफरेंट होता। लगाएंगे अभी, लगाएंगे बाद में, अभी पहले क्वेश्चन समझ ले। तो किसी इंस्टेंट पर ये सिचुएशन है, आपको बताना है कि डी डिस्टेंस पे जो ये सिचुएशन है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ऑब्वियसली वी प्लस कैपिटल वी होगी, इसका सब निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स एक को क्या लगा दूसरे को देखते हुए कि इसकी स्पीड कितनी है, वी प्लस स्मॉल वी, अगर आप वी और स्मॉल वी निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो रूल वही रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, जब लीनियरली पास आती है बॉडीज तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन लीनियर इनिशियल और फाइनल, और एक एनर्जी कंजर्वेशन लीनियर। करना जरा सॉल्व, इसका आंसर मार्क कर देता हूं v प्लस स्मॉल v का, ताकि आप चेक कर सको। आपका आंसर आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2g m प्लस m डिवाइडेड बाय d।
देखो इसमें फिर क्या किया आपने, फर्स्ट इक्वेशन तो लगाई होगी, इनिशियल मोमेंटम जीरो था दोनों का, फाइनली स्मॉल एम वी प्लस माइनस कैपिटल एम वी, तो फर्स्ट इक्वेशन स्मॉल एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी इक्वेशन नंबर वन। फिर दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी टोटल, इनिशियल कितनी है हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू कैपिटल एम, सॉरी इनिशियल कितनी है जीरो, जीरो पोटेंशियल भी जीरो बिकॉज डिस्टेंस इनफाइनाइट है, और फाइनली क्या हुआ हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी का स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में डी। तो यहां से उठा के कैपिटल वी को स्मॉल वी की फॉर्म में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों को, स्मॉल वी आएगा कैपिटल वी आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके स्मॉल वी की वैल्यू आ रही है एम इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एम प्लस एम इंटू डी कुछ ऐसा, और कैपिटल वी आ रहा होगा स्मॉल एम, हाँ स्मॉल एम इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एम प्लस एम इंटू स्मॉल डी, और फिर इन दोनों को यहां पुट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और जब लीनियर मूव करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन, और कोई बॉडी घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वी आर इज कॉन्स्टेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे सपोज आपको वी गिवन है, वी इज 8x x स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, आपको e का मैग्नीट्यूड बताना है क्या होगा एट x इज इक्वल टू पी, एट x इज इक्वल टू पी यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ e। v गिवन है, e निकालना है, जरूरी नहीं x से अकेला, तो dv वी बाई डी एक्स पार्शल तो तब यूज करते थे ना जब x भी हो y भी हो और z भी हो, पूछी नहीं मैंने ड्यूटी पूछा है। तो फॉर्मूला ये लगा रहे हो ना, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, V की जगह
8x x square plus p का स्क्वायर, ये u मान लेते हैं और ये v मान लेते हैं, तो माइनस ऑफ x square p square into d by dx of 8x minus 8x into d by dx of x square plus p square divided by x square plus p square का होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करें, जो एंड में आंसर आएगा उसमें x इक्वल टू p, तो e का आंसर आ रहा है जीरो, जीरो सही है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये, तो डिफ्रेंशिएट करके आंसर जीरो आएगा। आगे ठीक, एग्जाम्पल इज इफ ई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाई टू अलोंग एक्स एक्सिस एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो एट इंफिनिटी, फाइंड वी एट एक्स। अब उल्टा है, मैं आपको v देता हूं, e पूछता हूं, अब आपको e दे रहा हूं, v पूछ रहा हूं, तो अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट, सही कह रहे हो, इंटीग्रेट। यह तो वैसे ही क्वेश्चन है, सेम। ये देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होती थी ना काइनेमेटिक्स में, मैं आपको x दूंगा तो आप v निकाल दोगे, मैं v दूंगा और x पूछूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट शुरू करो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन से स्टार्ट करो, लिमिट्स इनफिनिटी सिक्स। पोटेंशियल जी के लिए हम क्या करते थे, इन्फिनिटी जाते थे और एक्स पे लेके आते थे ना, पोटेंशियल की भी डेरिवेशन सेम ही होती है ना, तो इन्फिनिटी से ही ऑब्जेक्ट आते हैं और एक्स पर जाते हैं। आंसर है माइनस टू के बाय रूट एक्स। तो इसमें ई इज इक्वल टू के एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाय टू, ई को क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाय डी एक्स, इस के इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाय टू, या डी वी इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस थ्री बाय टू इंटू कितना डी एक्स। इंटीग्रेट करें, पोटेंशियल जीरो, जीरो पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल की लिमिट लगेगी और पोटेंशियल जीरो कब है, जब डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी है, और किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल वी हो गया जब डिस्टेंस कितना हो गया एक्स, तो वी विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाय टू प्लस वन, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा माइनस हाफ, तो यहां पर डिवाइडेड बाय माइनस हाफ इंफिनिटी से लेके एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हाफ ऊपर चला गया तो क्या हो गया टू के, और x रेज टू पावर कितना चल रहा है माइनस हाफ इंफिनिटी से लेके x तक 2k, इसको अंडर रूट ऑफ x लिख लेते हैं, इंफिनिटी से लेके x तक 2k
वन बाय रूट एक्स माइनस वन बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो आंसर. अच्छा माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है ना, माइनस में कैसे आया, मेरा माइनस माइनस तो कैंसिल नहीं हो गया यहाँ पे देखो, है ना. ठीक है, ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज सपोज अर्थ, अर्थ के सरफेस से एक मास m को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, वी नॉट एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल. किसी ने उठा के किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल. तो इफ एच इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो हाइट है ऑब्वियसली वो ऐसे जाके कुछ इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ, फिर सर्कल में घूमेगा. अगर बहुत इस जैसे सेटेलाइट लॉन्च करने का प्रिंसिपल था बिल्कुल वैसे ही, चलो ना भी घूमे बट मुझे इतना पता है कि बस ये पाथ गिवन है इस क्वेश्चन में. जैसा भी होगा, जैसा भी होगा, ये डायग्राम गिवन ही है क्वेश्चन में ऐसे, सच दैट वो इस तरीके से अगर मूव करता है और इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है जब वो पास करेगा अर्थ की सर्फेस के पास से, वो एच है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्टेंस है और सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ये डिस्टेंस भी कितना है, आर है. ये डायग्राम बना हुआ है और क्वेश्चन में गिवन है कि इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड भी गिवन है वी. जब स्टार्ट किया था तो वी नॉट और जब पास कर रहा है इस पॉइंट पर तो वी. ठीक, प्रूव दैट, प्रूव दैट वी इज लेस देन वी नॉट कॉस थीटा. मैथमेटिकली प्रूफ करना है जो वी की वैल्यू है वी नॉट कॉस थीटा से कम आएगी.
इन तो दे दिया था आपको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पहले, एनर्जी तो लगे ना लगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पहले हमेशा लगाना है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जब भी कोई बॉडी अब सीधी जाती थी, याद करो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब ये तो वैसे ही हो गया, सन के आसपास अर्थ घूम रही है तो एमवीआर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। अब देखो कैसे, यहां पर सेंटर के अबाउट इसकी एक वेलोसिटी क्या आएगी, वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा, ठीक। और यहां पर इसका जो मास है वो एम है, तो इसका मोमेंटम ये आ जाएगा, इसका लीनियर मोमेंटम यहां पर एम इंटू वी आ जाएगा, मोमेंटम आ गए। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट पर ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हम क्या अप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और सेंटर सी को एक्सिस मानते हुए ध्यान से देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं पूछूं एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो आप बोलोगे लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरफ लीनियर मोमेंटम कितना है, एम वी नॉट कॉस थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है इसका, आर। आप कहेंगे वी साइन थीटा, वी साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि एम वी ये भी वाई एक्सिस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ही नहीं ना वो, तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर लेना, या फिर वही लगाओ आर क्रॉस पी, आर पी साइन फाई, वो लंबा तरीका है, ये ज्यादा बेटर है। तो आप सिंपली दो कॉम्पोनेंट्स ले लें, पहले कॉम्पोनेंट का देखेंगे आंसर जीरो आएगा, बिकॉज मोमेंटम और डिस्टेंस के बीच में एंगल 90 है ही नहीं, और इसमें 90 है तो दिस इंटू दिस, और यहां पर इज इक्वल टू एम वी लीनियर मोमेंटम है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। क्या स्टेप क्लियर है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट cos थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, यानी कि v नॉट इंटू cos थीटा 1 प्लस एच बाय आर। साफ पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव टर्म, तो आपका आंसर v जो होगा वो लेस देन v cos थीटा ही आएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही, इसको अटेम्प्ट करना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, टॉपिक ही हट जाता नहीं तो सिलेबस से। नेक्स्ट फिर देखो, जैसे सपोज अ कॉस्मिक बॉडी ए कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ये सन है, सन मास एम वेलोसिटी वी नॉट, डिस्टेंस इनके बीच में कितना एल, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी इज वी एंड डिस्टेंस इज आर, सन का मास इज कैपिटल एम, सन है उसका मास इज कैपिटल एम, बॉडी का मास स्मॉल एम। आपको इसमें आर निकालना है, क्या होगा आर, और जब वो काफी सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगी सन से, सबसे जो क्लोज हो जाएगी तो डिस्टेंस आर निकालना है। तो कॉस्मिक बॉडी इंफिनिटी से आ रही है, आती आती सन के पास होती हुई ऐसे चली जाएगी, अर्थ की तरह रोटेशन है, तो ये बात पक्की है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम तो लगेगा इसमें, और
अगर बाई चांस दूसरी इक्वेशन चाहिए हो तो एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा लगता है। और ये वेलोसिटी की वैल्यू ना क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहां पर होगी कुछ वेलोसिटी, वो मैंने वैसे पुट कर दिया, होगी कोई वेलोसिटी, पहले वो वेलोसिटी निकलेगी तब आंसर निकलेगा। अगर मैंने आपको वेलोसिटी दे दी दोनों, फिर तो आप एमवीआर कांस्टेंट 2 मिनट में आंसर निकाल दोगे। तो वी नहीं है इसमें, बस ये है कि जब ये काफी क्लोज हो जाएगी सन के पास तब बताओ कि इसका आर क्या होगा। क्वेश्चन है इनफाइनाइट से बॉडी आ रही है, सन से यहाँ क्रॉस घूमेगी, तो अब जब यहां से घूमेगी इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है आर, आपको आर निकालना है बस। आंसर है, सही कह रहे हैं। देखो ये इसके अंदर हाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, मान लो एक मिनट के लिए इसकी वेलोसिटी सेम तो रहेगी नहीं, तो वी तो पहला इसमें क्या लगेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एल कांस्टेंट का मतलब है एम इंटू वी नॉट इंटू एल, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वहां पर क्या लगेगा एम इंटू वी इंटू
आर, एम से एम कैंसल, तो वी सबसे पहले वी निकलेगा, ये वी आ गया आपके पास। अब लगेगी एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और काइनेटिक एनर्जी तो थी इसके पास हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। फिर जब वो सबसे पास आ गया तो पोटेंशियल कितनी होगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना आर, और काइनेटिक कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। इस वी को उठा के यहां से यहां पुट करेंगे, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी की जगह वी नॉट एल बाई आर का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कुछ क्वाड्रेटिक बनेगी, कुछ सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी बनेगी, और यहां से फिर आर निकालना है जिसका आंसर सॉल्व करके आ रहा है क्वाड्रेटिक जी एम बाई वी नॉट का स्क्वायर वन प्लस वी नॉट स्क्वायर एल बाई जी एम का होल स्क्वायर माइनस वन, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। चलो आंसर जो भी आएगा, आपको मेथड समझ में आ रहा है, माइनस आ रही होगी एक ना, आर बड़ा आ रहा होगा एक छोटा आ रहा होगा, तो छोटा ही होगा ना आर नॉट से। चलो आंसर जो भी आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सन मास m2, प्लैनेट का मास m1 एंड m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 ग्रेटर देन m1 बड़े, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है r। And considering the motion of sun, इस केस में you have to consider the motion of sun. Sun नहीं तो सिर्फ axis पे घूमता है, planet आसपास घूमता है। इस केस में planet काफी बड़ा है, sun के जितना तो नहीं पर sun के मुकाबले का, ताकि sun को भी अपनी जगह से घूम के planet के आसपास घूमना पड़ेगा, एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। ठीक, मतलब ये नहीं है कि planet उसके आसपास से घूम रहा है, सन भी घूम रहा है और प्लैनेट भी घूम रहा है, वो कैसे घूम रहा है आप सोचें। आपको क्या बताना है, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। पहली बात तो ये घूम किसके अबाउट रहे हैं, मैं कहूँ ये सन भी घूम रहा है प्लैनेट भी घूम रहे हैं, कि सेंटर तो ट्रेस करो कि ऐसी बस गोल 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 घूमती जाएंगे कैसी भी किसी भी डायरेक्शन में, एक दूसरे के आसपास का मतलब अबाउट देयर सेंटर ऑफ, फर्स्ट फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विच इज नॉट एट द सेंटर, मासेस में डिफरेंस है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहले सेंटर ऑफ मास तो निकालो, सेंटर ऑफ मास सेंटर में तब होता है जब मास बराबर होता है। आप कहोगे सन के ऊपर ले लेते हैं, सन के ऊपर लेंगे सन तो एक्सिस पे स्पिन करेगा, फिर इसमें वो कह रहा है सन खुद मूव कर रहा है, इसका मतलब कहीं बीच में होगा। तो पहले फाइंड, पहले क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का,
ठीक, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास आ गया, जैसे ये m1 है, ये m2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना था r, और लेट अस सपोज ये इनका सेंटर ऑफ मास है, m2 की करीब होगा, सच दैट ये डिस्टेंस कितना है r1 और ये डिस्टेंस कितना है r2, ठीक। और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना आता है ना, इसको ओरिजिन मान लो 0, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस आर वन कॉमा जीरो, इसका आर टू कॉमा जीरो, तो एक्स सेंटर ऑफ मास एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम वन प्लस एम टू, वो लगा के आपके पास आर वन आर टू की वैल्यूज आ जाएंगी। आर वन की वैल्यू आ रही है एम टू इन टू आर एम वन प्लस एम टू, आर टू की वैल्यू आएगी एम वन इन टू आर एम वन प्लस एम टू, क्योंकि आर आर वन प्लस आर टू के इक्वल है ना। ये समझ आया कैसे आया? नहीं, ये एम वन है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस आर वन कॉमा जीरो है, ये एम टू है, इसका कोऑर्डिनेट आर टू कॉमा जीरो है, ये सेंटर ऑफ मास है जिसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो है, एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, तो जीरो इज इक्वल टू एम वन माइनस आर वन एम टू आर टू, टोटल मास एम वन प्लस एम टू, तो यहां से आ जाएगा एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू R2, फर्स्ट इक्वेशन, और R किसके इक्वल है R1 प्लस R2। अब सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक, तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेंगे, इनको आपस में लेना देना नहीं है क्योंकि फोर्स टूवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है, तो कोई ये ना सोचे कि अब ये इसके आसपास घूमेगा, ये ऐसे घूमेंगे सच दैट सन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, ये इसका सर्कल होने वाला है, जो सन है उसका सर्कल कैसे होगा, ऐसा सर्कल होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका सर्कल कैसा होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना है आर वन, ये रहा, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का रेडियस ऐसा है आर वन है, मतलब वो बड़े चक्कर में है और वो छोटे चक्कर में घूमेगा, देखो ना इसका सेंटर ऑफ मास ये है तो ये इतने रेडियस में घूम रहे, इसका सेंटर ऑफ मास ये तो इतने रेडियस में घूम रहे हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा सर्कल्स का, ठीक। अगर सन का मास बहुत 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 बड़ा होता तो डिस्टेंस कम 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 होता रहता और इसका चक्कर छोटा 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 होते होते एक्सिस पे घूम जाता और ये वाला ऐसे घूमता रहता आसपास, ठीक। किसमें? आंसर में नहीं, ओमेगा नहीं आएगा, तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एम वन या एम टू कुछ भी ले लो, फॉर एम वन कौन सी फोर्स इसको ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड कर रही है, ये कर रही है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ग्रेविटी की फोर्स तो एम वन एम टू के बीच में होती है ना, वो एक्ट कहां कर रही है टूवर्ड्स सेंटर, इंपॉर्टेंट है। मेरे और इसमें फोर्स क्या होगी जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय हमारे बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। न्यूटन ने ये तो नहीं कहा था कि डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का ले लेना, डिस्टेंस तो एक्चुअल होगा, लेकिन ये फोर्स कहां एक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर, तो एम वन को क्या मिल रहा है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल बोलो, अब सेंट्रीपिटल में सेंटर से डिस्टेंस देखना है एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, फोर्स तो टोटल लेनी है लेकिन ये एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल, तो यहां से एम वन कैंसल, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी जी एम टू आर वन आर स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। लेकिन आर वन की वैल्यू तो हमें मालूम है जी एम टू आर वन की वैल्यू हो रही कितनी एम टू आर बाय एम वन प्लस एम टू, और हमें आर की वैल्यू भी मालूम है कितनी आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, तो यहां से सॉल्व करके जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी जी एम वन प्लस एम टू, यार अदर इसको आर ही रहने दो, छोड़ो क्या आर क्यूब लिख लेते हैं यहां पे आर का क्यूब,
क्यूब आ जाएगा। तो ये ओमेगा आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आर वन की वैल्यू पुट कर दी, आर को ऐसे रख लिया मैंने, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर का क्यूब हो गया, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक, ओमेगा स्क्वायर आ गया तो ऑब्वियसली ओमेगा भी आ गया। ओमेगा के लिए इसका अंडर रूट लगा दो बस। अब हमने क्या निकालना है इसमें, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम वन इंटू वी वन का स्क्वायर, हाफ एम टू इंटू वी टू का स्क्वायर, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर। वी वन वी टू इसलिए क्योंकि इनका रेडियस डिफरेंट है, तो V1 की जगह R1 इंटू ओमेगा, V2 की जगह R2 इंटू ओमेगा माइनस G M1 M2 डिवाइडेड बाय R। आंसर R1 R2 फिर यहां से पुट करना पड़ेगा सारा, जो सिंप्लीफाई किया R1 R2 वो यहां पुट कर लेना, बड़ा सा आंसर आएगा। पर मेथड समझ में आ गया कि कैसे करना है।